राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और चटपटी हरे धनिये की चटनी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हरे धनिये की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे हरी धनिया लिया है, इसे हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। हमने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 5 हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने अनुसार हरी मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम इसमें 5 लहसुन की कलियां डालेंगे, 4 अदरक के टुकड़े डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। हमारे हरे धनिये की चटनी तैयार है। हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। आप हरे धनिये की चटनी को एक एयर टाइट कंटेनर में 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे।